सो गाइस, बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब चाहे आप किसी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफर कर रहे हो या फिर एक एक्सचेंज से किसी दूसरे वॉलेट में, बहुत सारे लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करते हैं क्रिप्टो के थ्रू, या फिर बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स को भी पेमेंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एंड इन क्रिप्टो ट्रांसफर्स में बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा फीस भी देनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी क्रिप्टो भी लूज कर जाते हैं। तो क्या है सही तरीका क्रिप्टो ट्रांसफर करने का जिससे कि आपकी नेटवर्क फीस भी बहुत कम लगे, साथ ही साथ आपकी क्रिप्टो एकदम सेफ तरीके से सामने वाले पर्सन के पास पहुंच जाए? तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड मिलने वाली है क्रिप्टो ट्रांसफर करने की, क्या है बेस्ट तरीका क्रिप्टो ट्रांसफर करने का जिससे कि आप सेफली अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफर कर पाओ। तो मान लीजिए हमें ए प्लेटफॉर्म से बी प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो ले जानी है, तो हम ए प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो को विड्रॉ करते हैं और बी प्लेटफॉर्म के डिपॉजिट एड्रेस पे सेंड करते हैं। अब ये जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं ये अलग अलग नेटवर्क्स पे होते हैं, हो सकता है कोई बिटकॉइन के एड्रेस पे हो सकता है कोई इथेरियम के हो या फिर कोई पॉलीगन के नेटवर्क पे हो, और इन सब नेटवर्क की अलग अलग फीस होती है। आप जो भी क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हो उसकी ब्लॉकचेन के हिसाब से आप चेक करो कि कौन से नेटवर्क पे सबसे कम फीस लग रही है और उसी नेटवर्क के थ्रू आप डिपॉजिट करो। एंड कहां पर गलती करते हैं लोग वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसके लिए ले चलता हूं मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे और दिखाता हूं कैसे आपको क्रिप्टो ट्रांसफर करना है। तो गाइस, यहां पे मैंने अपना बाइनेंस का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। मैं यहां पर बाइनेंस से बाइबिट एक्सचेंज पे क्रिप्टो ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाला हूं। सेम इसी प्रोसेस से आप किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहता है। तो यहां पे मैं आ जाता हूं अपने स्पॉट वॉलेट में और यहां से मैं ट्रांसफर करूंगा यूएसडीटी अपने बाइबिट एक्सचेंज पे। कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप क्रिप्टो को सेंड कर रहे हो वहां से आपको विड्रॉ वाला ऑप्शन मिल जाएगा, विड्रॉ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको क्रिप्टो रिसीव करना है तो आप डिपॉजिट करके अपना एड्रेस सामने वाले को सेंड करोगे, बट यहां पर मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कैसे आपको करना है। यहां से हम विड्रॉ कर रहे हैं तो मैं विड्रॉ का प्रोसेस आपको पहले दिखा रहा हूं। तो यहां से मैं यूएसडीटी को विड्रॉ करने वाला हूं, तो मैं यूएसडीटी को सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क एंड दूसरा है ईमेल फोन आईडी। तो अगर आप एक बाइनेंस यूजर को ही क्रिप्टो सेंड कर रहे हो तो आप ईमेल आईडी फोन नंबर या फिर आईडी के थ्रू भेज सकते हो, बट यहां पर हम किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो मैं सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर एड्रेस पेस्ट करना है जिस एड्रेस पे आप क्रिप्टो भेजना चाहते हो। तो यहां पर गाइस मान लीजिए मुझे बाइबिट पर अपनी क्रिप्टो ट्रांसफर करनी है, तो मैं अपना बाइबिट एक्सचेंज ओपन करूंगा एंड यहां पर मैं अपने वॉलेट वाले ऑप्शन में आऊंगा। यहां पे हम स्पॉट वॉलेट में जाएंगे। अब स्पॉट वॉलेट के नीचे यहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो वहां पर भी आपको डिपॉजिट क्रिप्टो का ही ऑप्शन मिलेगा। आपको उस डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जो भी क्रिप्टो आप ट्रांसफर करना चाहते हो उस क्रिप्टो पे आपको क्लिक करना है, तभी उसका नेटवर्क एड्रेस आपको मिलेगा। तो यहां पे मैं यूएसडीटी को डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे यूएसडीटी को टिक कर दूंगा। अब यहां पर हमारे सामने एक वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, इसी एड्रेस पे हमें क्रिप्टो ट्रांसफर करनी है। बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्रिप्टो ट्रांसफर करते समय वो ये कि आप कौन से नेटवर्क पे क्रिप्टो भेज रहे हो। जैसे यहां पर जो हमें नेटवर्क एड्रेस मिला है, वॉलेट एड्रेस मिला है, वो है TRC20 का, ट्रोन की ब्लॉकचेन का ये एड्रेस है। बट हम चाहते हैं कि हम ऐसी ब्लॉकचेन यूज करें जिसमें सबसे कम फीस लगे, तो यहां पे आपको बहुत सारी ब्लॉकचेन्स मिल जाती हैं। अब हो सकता है कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर आपको सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन मिले, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आप उसी नेटवर्क को चूज करो जिसमें सबसे कम फीस लग रही है। अब किस ब्लॉकचेन में कितनी फीस लग रही है ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए जैसे मैं आपको बाइनेंस पर ही दिखा देता हूं। बाइनेंस पर हम आएंगे, नेटवर्क वाला ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे सारी ब्लॉकचेन्स की फीस आपको दिख जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो BNB स्मार्ट चेन यानी BEP20 पर 0.29 USDT की फीस लग रही है। नेक्स्ट है EOS, इस ब्लॉकचेन पे $1 की फीस लग रही है, नियर प्रोटोकॉल पे $1 की, एंड लगभग सभी ब्लॉकचेन्स पे आपको 0.99 या फिर $1 की फीस लग रही है। एंड बात करें ERC20 यानी इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो यहां पर आपको $3.78 की फीस लग रही है जो कि सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे कम फीस हमें लग रही है ट्रांसफर करने में वो है BEP20 यानी BNB स्मार्ट चेन की, जिसमें सिर्फ आपको $0.28 की फीस देनी पड़ेगी। तो हम इसी ब्लॉकचेन के थ्रू नेटवर्क एड्रेस को कॉपी करेंगे और उसे यहां पर पेस्ट करेंगे। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने बाइबिट एक्सचेंज पे और यहां पर हम क्लिक करते हैं। यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा BSC BEP20 का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब बाइनांस स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा, आपको इसे यहां पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे आना है, उस एड्रेस को यहां पे पेस्ट कर देना है। अब इस एड्रेस को पेस्ट करते समय आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आपने लास्ट का एक कोई डिजिट गायब कर दिया। जैसे स्टार्ट ये 0 से हो रहा है, लास्ट में B4 है। अब अगर मैं 4 को रिमूव कर दूंगा, क्रिप्टो ट्रांसफर करूंगा, तो मेरी क्रिप्टो नहीं पहुंचेगी। इसलिए इस एड्रेस को बहुत ज्यादा केयरफुली कॉपी पेस्ट करिएगा।
इसके बाद यहाँ पे हमने नेटवर्क ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है BEP20, अगर मैं नहीं भी करता तब भी ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता। इसके बाद आपको अमाउंट डाल देना है, मिनिमम आपको 6 USDT यहाँ से ट्रांसफर करने हैं, तो मैं यहाँ पे 10 ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। 10 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया एंड हम स्पॉट वॉलेट से अपने सेंड कर रहे हैं क्रिप्टो, तो यहाँ पे स्पॉट वॉलेट सेलेक्टेड है। अगर आपके किसी और वॉलेट में पैसे हैं तो उस वॉलेट को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो रिसीव्ड अमाउंट में दिया हुआ है 9.71 USDT, नेटवर्क फीस हमारी 0.29 USDT की लग रही है। अगर आपको एग्जैक्ट $10 भेजने हैं तो आप यहाँ पे 10.29 कर सकते हो, जिससे कि आपके एग्जैक्ट $10 का अमाउंट वहां पर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि फीस हमने यहीं पर ऐड कर दी है। अब ट्रांसफर करने से पहले भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपका जो एड्रेस है, आपका जो नेटवर्क है, वो सेम है दोनों जगह। यहां पर हमने चेक कर लिया BEP20 है, प्लस एड्रेस भी हमारा करेक्ट है। विड्रॉ पे हम क्लिक करेंगे, यहां पे सारी चीजें आ जाएंगी, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे एंड यहां पे हमारा विड्रॉल प्रोसेसिंग हो गया है। कुछ ही देर में ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई किया जाएगा और ये क्रिप्टो हमारे बाइबिट के वॉलेट में पहुंच जाएगी। अब उसकी नोटिफिकेशन हमें बाइबिट कुछ देर में दे देगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अभी आप देख सकते हो मेरे स्पॉट वॉलेट में 9.85 USDT है। कुछ ही देर में मैं हिस्ट्री चेक करूंगा जहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन को शो किया जाएगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है कि आपने 10 USDT सक्सेसफुली विड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर स्पॉट वॉलेट की हिस्ट्री में जाता हूँ, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में, और देखता हूँ कि हमारे USDT यहाँ पर आ चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रांजेक्शन हमारा अभी पेंडिंग है, 15 में से 11 कन्फर्मेशन हो चुके हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो ये डिपॉजिट सक्सीड हो गया है। वापस से अपने स्पॉट वॉलेट में आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 19.85 USDT आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी क्रिप्टो को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर सकते हो। सिर्फ आपको नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क का ध्यान रखना कि कौन सी ब्लॉकचेन पे आप ट्रांसफर कर रहे हो और फीस कितनी लग रही है। तो देखा आपने कितना इजी है क्रिप्टो को ट्रांसफर करना किसी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अब बहुत सारी ऐसी भी क्रिप्टो करेंसीज होती है जो सेम नेटवर्क को नहीं लेती है, तो आप दोनों एक्सचेंज पर एक बार देख लेना कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है जब भी आप नेटवर्क चूज कर रहे हो। एंड क्रिप्टो ट्रांसफर के दौरान फीस कम लगे इसलिए आप इन 3 ब्लॉकचेन्स का यूज कर सकते हो। पहली है बाइनेंस स्मार्ट चेन, दूसरी है ट्रोन और तीसरी है पॉलीगन मैटिक। इन तीनों ब्लॉकचेन्स पे काफी कम फीस लगती है अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी की अदर ब्लॉकचेन से। तो बाकी हर एक क्रिप्टो पे डिपेंड करता है कि कौन से नेटवर्क एड्रेस पे उसकी कितनी फीस लग रही है, तो आप चेक करके ही हमेशा क्रिप्टो ट्रांसफर करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी को बिना किसी इशू के ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप आसानी से कर भी पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।